नमस्कार, आज खबर को स्वागत करछना। संपूर्ण खबर देखा पूर्व प्रथम नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे। शिशु मानकर अंडा को बिक्री करी पॉकेट गरम करुछंती शिक्षक। प्रधानमंत्री आवास योजना को जांच करिवे लाइव वोकेशनल स्टडीज ग्रुप। बालीजात्रा उद्यापनी उत्सव रे महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल। चिलिका ब्लॉक मानसिंहपुर ग्राम कालीजाई सरकारी प्राथमिक विद्यालय रे शिशु मानकु अंडा बिक्री करुछंती स्कूल रो शिक्षक माने। स्कूल रो शिक्षक पूर्णचंद्र साहू शिशु मानकु अंडा बिक्री करी तांकर पॉकेट गरम करुछंती। प्रधान शिक्षक मध्य स्कूल रे पिला मानकु अंडा बिक्री करबा कार्य रे शामिल थिबा एबीओ मैडम गीताराणी बेहरा सूचना देछंती। शिशु मानक पई सरकारक पक्षरु आसुथिबा कोटी कोटी टंका शिक्षकों पॉकेट को गरम करुछि। छात्र छात्री सहित खेल खेलुछंती शिक्षक माने। तबे अंडा बिक्री होइतिबा संपूर्ण वीडियो वर्तमान सोशल मीडिया रे घूरी बुलुछि। एही घटना को नहीं आज एबीओ मैडम तदंत करबा को जाइतिबा बेले निज भूल मानि छात्र छात्री को तांकर टंका फेराइ दियाजिबो बोली शिक्षक कहिछंती। ए घटना संपर्क में निश्चित भाव दृढ़ कार्यानुष्ठान निजी गोष्ठी शिक्षा अधिकारी नलिनीकांत महांति कैमेरा आगे कही दुई दिन ते जे एस एम सी मेम्बर से बाबत आमको लिखित अभियोग कर लिखित अभियोग जो एबीओ अच्छा मध्यान भोजन दायित्व हस्तांतर कर फिल्ड निजे जी फिल्ड जी सब फिल्ड रु सत्यासत्य बरणी आ मते प्रदान कले मु ता विहित कार्यनुष्ठान ग्रहण करे। ब्यूरो रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। बालुगा विज्ञापित अंचल परिषद कार्यालय ठारे हिताधारी कर्मशाला आयोजन होई जैछि। सूचना अनुजाई प्रधानमंत्री आवास योजना रे लोक माने जो आवास गृह निर्माण करिछंती ताहा सठिक भावरे लोकंक हितरे लागुछि कि नाही एकथा जानिबा पई एक लाइव वोकेशनल स्टडीज एवं बालुगा एनएससी परिषदर मिलित आनुकल्य रे एक कर्मशालार आयोजन करा जाइछि। सरकार मुंड गुंजिबा पई जो छात अनुदान करिछंती हिताधिकारी आवास पई केउं भली जीवन अतिवाहित करुछंती तार उपयुक्त जांच पई केन्द्र सरकारक अनुमोदन रे एक बैठक करा जाइथिला। 2019-20 मसियारे हिताधिकारी को जो गृह अनुदान स्वरूप मिलिछि तहार जांच हेबो बोली आसीथिबा टीम सूचना देछंती। तबे 564 गृहरु आसंता काली 148 गृहर जांच करा जिवो। जांच पई बालुगा एनएससी रो विभिन्न वर्गर लोकंकु नै एक टीम गठन करा जिवो। समस्त टीम ए जांच कार्य को तदारक करिवे। ब्यूरो रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। ऐतिहासिक बालीजात्रार शेष दिन अर्थात उद्यापनी उत्सव में महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जोगदे थिले। बालीजात्रा पड़ियार विभिन्न कार्यक्रम में जोगदे शेषे गणकवि वैष्णव पाणी मंच में पहुंची एह जात्रा को उद्यापन करथिले। प्रथमे काइट फेस्टिवल उद्यापित करथिले। गुड़ी जेते उपरकु गले मध्ये नियंत्रण रे गुड़ी उड़ाउथिबा व्यक्ति हाथ में रही थाए। ठीक से भली मनुष्य जेते उपरकु गले मध्ये नियंत्रण ईश्वरों हाथ में थाए बोली महामहिम राज्यपाल कहते। महामहिम राज्यपाल बालीजात्रा पड़िया रे बैटरी गाड़ी रे बुलिथिले। महानदी कूल रे महा आळती रे जोग देथिले। महानदी कूल रे शेष आळती मध्ये करथिले। बोट रे बसी किछि क्षण पई नदी भितरे बुलिथिले। राज्यपालंक समेत मेयर सुभाष सिंह स्वामी मुकुदानंद सरस्वती प्रमुख जोग देथिले। शेषरे बालीजात्रार उद्यापनी कार्यक्रम सारि राज्यपाल भुवनेश्वर फेरी आसीथिले। आज अगर मुझे कहना हो तो गोपबंधु के शब्दों में कहना चाहता हूं, मेरी जाति मनुष्य है, मेरा धर्म मानवता है, मेरा देश अखिल विश्व है, मेरा शासक प्रभु जगन्नाथ है। ये मेरी यात्रा है, बलि यात्रा है। व्यापार ये सब बातें दूसरी है, पर हम दिलों का व्यापार करते हैं। हम ये व्यापार करते हैं कि हम सभी आदि शक्ति की संतान। इसी को भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल जो इस बलि यात्रा का जिक्र किया वहाँ पर, और किनके बीच में 70% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जिन कंट्रीज की है, 20 कंट्रीज की G20 की, उनके बीच में 70% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, कहने का मतलब कितना हो गया, 560 करोड़ लोग उनको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके बीच में उन्होंने ये बात कही है।
ऑल दैट इज ईजी शाह, ऑल दैट इज नॉट ईजी शाह। तो फिर अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब बातें क्या, हम एक हैं, ऑल इज वन। ये बाली यात्रा या भारत के जितने भी संतों ने पहले यात्राएं की, चाइना के फिलोसफर बोल रहे हैं कि हम 2000 वर्षों से भारत के ऋणी हैं। ऐसा चाइना के लोग बोल रहे हैं, पुर्तगाल बोल रहा है, दुनिया के सब कंट्रीज बोल रहे हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से ये बाली यात्रा जो है बेसिकली ये दिलों को जोड़ने की यात्रा है, जो उड़ीसा में बहुत पहले से हजारों वर्षों से शुरू हुआ, क्राइस्ट से भी 800 वर्ष पहले शुरू। कटक रु जावेद अहमद का रिपोर्ट, डीटीवी ओडिया। कटक सूताहाट न्यू कॉलोनी रे सकाळ 10:00 एक घर उपरकु केही दुर्बृत्त गुळीचालना करिथिले। तबे कोन पई गुळीचालना करा जायतिला ए विषय रे कैंटेनमेंट पुलिस अनुसंधान जारी रखिछि। रवि कुमार को घर झरका काचरे गुळीबाजी एक क्षुद्र कणा मध्य होई जायछि। साइंटिफिक टीम अनुसंधान चलाइछंति बोली आईएससी कहिछंति। कटक रु जावेद अहमद का रिपोर्ट, डीटीवी ओडिया। आज कटक रो आईपीएस में सभागृह रे पुलिस एवं लॉ यूनिवर्सिटी रो अधिकारी को मध्य रे एक चुक्ति दस्तखत होईछि। पुलिस रो वरिष्ठ अधिकारी मानक उपस्थिति रे एही कार्यक्रम करा जायतिला। आईन छात्र माने किभली नूतन आईन को जानी परिबे एहा एक माध्यम थिला। विश्व रो सब देश रे आईन रो व्यवस्था अलगा अलगा रहितिला। पुलिस सहित संपर्क रहिले तांको आईन विषय रे जानिबाकु सुविधा हेबो। एही कार्यक्रम रे लॉ यूनिवर्सिटी रो अधिकारी माने मध्य उपस्थित रहितिले। इट्स अबाउट कोलैबोरेशन बिटवीन एकेडमिक एंड पुलिस एंड आई थिंक द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड द पुलिस दे विल ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर बिकॉज़ आई थिंक वी हैव लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ पुलिस एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड आवर स्टूडेंट्स नीड टू लर्न द मैनर इन व्हिच पुलिस डज इट बेस्ट and also I think for the police there is lot to learn about latest developments which are taking place. Juvenile justice is my favorite area and I know that law has changed a lot but people's perceptions are very different than what the law is and I think there is an importance of bringing the academic conversations to the practical reality and the practical reality need to be informed with the changes which are taking in law in terms of legislation, in terms of regulations, in terms of judicial decisions. Kattak Ru Javed Ahmad ka report, DTV Odia. आज सकाळु भुवनेश्वर स्थित जाभियर कॉलेज छकरे एक धळा रंगर कार दुर्घटनाग्रस्त होईछि। ड्राइवरंकर बेपरुआ गाड़ी चलनारु दुर्घटना घटिथिबार प्रत्यक्षदर्शीक पाखरु प्रकाश मिलिछि। दुर्घटनारे कारटी संपूर्ण भावरे भांगी रुजि जाइछि। कारटी रास्ता कड़ डिभाइर कुपिटी फुटपाथ उपरकु चढ़ि जाइथिला। तबे एथिरे काहार किछि क्षति होइनथिबा बेले ड्राइवर सुरक्षित थिबा सूचना मिलिछि। घटनास्थलरे पुलिस पहुँचि दुर्घटनार कारण खोजिछि। रिपोर्ट, डीटीवी ओडिया। भुवनेश्वर भंचकुला मंडपरे देवदासी नृत्य मंदिर द्वारा आयोजित अंगीकार मंगलम नाट्यपराणम कार्यक्रम द्वितीय तथा अंतिम संध्यारे देशर प्रतिष्ठित नृत्य शिल्पी द्वारा भारत नाट्यम कुचिपुड़ी मणिपुरी ओडिसी नृत्य परिवेषण करा जायतिला। अनुष्ठित संवर्धना कार्यक्रम में पूर्वतन अर्थमंत्री तथा विधायक श्रीजुक्त शशिभूषण बेहरा, पद्म विभूषण सुदर्शन साहू, शिशु सुरक्षा आयोग पूर्वतन अध्यक्ष संध्यावती प्रधान, ओडिशा अभिभावक महासंघ सहअध्यक्ष श्री प्रसन्न विषोई आदि उपस्थित रही सुदर्शन साहू को कलिंग कलानिधि सम्मान में सम्मानित करते। सहित दुर्गा प्रसाद महापात्र को कलिंग सारस्वत सम्मान प्रदान करा। ओडिशार प्रख्यात तथा लोकप्रिय संगीतज्ञ स्वर्गत अक्षय महांती थिले ओडिया संगीत जगतर मुकुट विहीन सम्राट। स्वर्गत महांतींकर विश्वतम श्राद्धवार्षिकी अवसर रे सांस्कृतिक अनुष्ठान संस्कृति और संस्कृति ओडिशा सिनेक्रिटिक आसोसिएसन एवं ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग मिलित सहयोग में भुवनेश्वर स्थित रवींद्र मंडपरे मनोज्ञ उत्सव आयोजित होता। एथिरे डॉक्टर इतिराणी सामंत, सांसद सुलता देव, शासन सचिव सत्यव्रत साहू, अनुष्ठान सभापति तथा वरिष्ठ सांबादिक प्रदोष पटनायक एवं संपादक दिलीप हाली प्रमुख महाप्रभु उद्देश्य प्रदीप प्रज्वलन करी एही कार्यक्रम शुभारंभ करी थिले।
ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଳ୍ପିକ ଭୀମ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଣାଶୁଣା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡକ୍ଟର ଇତିରାଣୀ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥା ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଆଧାରିତ ସଂକଳନ ଅମର ଅକ୍ଷୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୋଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବାଦ୍ୟଗୁରୁ ଅବନିକାନ୍ତ ଦାସ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀନିବାସ କଟୁଆରୀ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାଖରୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ଏକ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ବର୍ଷିଆ ନେତା ଗୋପୀନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଦୁର୍ଗା ଦାସ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମନୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକ ସେନାପତି ଯୋଗଦେଇ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଜୁଳି, ପାଣି, ରୋଜଗାର ଆଦି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଆଇନଜୀବୀ ଗୋରେଖନାଥ ରାଉତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ଚଣାରୁ ତାପସ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ବଡ଼ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଯାତ୍ରୀ, ଯାହା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ବଜାର ଉପରେ ଘଟିଛି। ହୋଟେଲ ମିଡ଼ିଷ୍ଟ ସାମ୍ନା 16 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା 2 କାର, ସ୍କର୍ପିଓ ଓ ହୁଣ୍ଡାଇ କାର୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପଟୁ ଆସୁଥିବା ୱାଗନର କାର୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଉଭୟ ଗାଡ଼ି 2 ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ 3 ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହିତ ହୁଣ୍ଡାଇ କାର୍ଟି ପଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ମହିଳାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ପଠାଇବା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ଚଣାରୁ ତାପସ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡାକୁ ବିକ୍ରି କରି ପକେଟ ଗରମ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଲାଇଭ୍ ଭୋକେସନାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।